टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 का टीजर आउट हो चुका है, जिसमें टीवीएस ने काफी चालाकी से गाड़ी को थोड़ा बहुत ही दिखाया है। पर हम थोड़ा बहुत तो देख ही सकते हैं, जैसे कि डीआरएल वगैरह थोड़े अलग हैं और बाइक का जो डिजाइन है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। वैसे टीजर में गाड़ी को दिखाया ना हो, पर इससे पहले भी एक लीक फोटो हमारे सामने आया था जिसमें कि गाड़ी अच्छे तरीके से दिख रही थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि आरटीआर सीरीज एक कंफर्टेबल बाइक मानी जाती है, पर इस बार आरटीआर 310 के अंदर जो पिलियन सीट है वो काफी ऊपर है, जिससे कि पिलियन को थोड़ा तो अनकंफर्टेबल लगने ही वाला है। और वैसे ये टीवीएस की पहली 300 सीसी की नेकेड बाइक होने वाली है, और 300 सीसी में ऐसी पहली बाइक है जिसके अंदर कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिलती है, जैसे कि इसकी टेल फेयरिंग और फ्रंट मडगार्ड। वैसे तो ये एक फेक कार्बन फाइबर होने वाला है, पर ये एक पहली बाइक होने वाली है जो कि ग्लॉस कार्बन फाइबर डिजाइन अपने बाइक में देगी। अब लोगों को कार्बन फाइबर आफ्टर मार्केट रैप लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इसके इंजन की बात करी जाए तो इसके अंदर इंजन आरआर 310 वाला ही देखने को मिलेगा। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि आरआर 310 एक काफी हैवी वेट बाइक थी, पर आरटीआर 310 एक नेकेड स्पोर्ट होने के कारण इसका वेट काफी कम होगा और इसकी इनिशियल पावर काफी ज्यादा। अगर इस बाइक की लॉन्चिंग की बात करें तो ये बाइक 6 सितंबर को थाईलैंड में रिवील करी जाएगी और तभी इसकी लॉन्च डेट बताई जाएगी। वैसे तो ये गाड़ी पहले इंडिया में ही लॉन्च होगी, पर पता नहीं क्यों इसकी रिवीलिंग थाईलैंड में की जा रही है। पर अगर आप इसकी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप टीवीएस के शोरूम जाकर इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, जिसकी प्राइस 3100 यानी 3100 रुपए रहने वाली है। बाकी आपको ऐसी डिटेल वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।